हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैरागी पर। तो आज हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एनसीईआरटी की बुक्स तो अगर देखा जाए तो बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल हैं, लेकिन कभी कभार ये देखने में ऐसा आता है कि जो जेन्यून और रियल एनसीईआरटी का जो मटेरियल मींस बुक्स होनी चाहिए, ई बुक्स होनी चाहिए, वो उन साइट्स पर नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको जेन्यून और रियल कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम google.com खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ई पाठशाला डालते हैं। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ई पाठशाला, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि ई पी डबल ए लोग डाल देते हैं, तो इससे एक और साइट है वो खुल जाती है जो कि गलत साइट पर चली जाती है। तो हम ई पाठशाला डाल लेते हैं, इसमें गूगल यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये साइट है ई पाठशाला, ई पाठशाला डॉट निक डॉट इन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल हैं, लेकिन कभी कभार ये देखने में ऐसा आता है कि जो जेन्यून और रियल एनसीईआरटी का जो मटेरियल मींस बुक्स होनी चाहिए, ई बुक्स होनी चाहिए, वो उन साइट्स पर नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको जेन्यून और रियल कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम google.com खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ई पाठशाला डालते हैं। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ई पाठशाला, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि ई पी डबल ए लोग डाल देते हैं, तो इससे एक और साइट है वो खुल जाती है जो कि गलत साइट पर चली जाती है। तो हम ई पाठशाला डाल लेते हैं, इसमें गूगल यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये साइट है ई पाठशाला, ई पाठशाला डॉट निक डॉट इन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, ये जो जेन्यून और रियल साइट है ये आ गई है, ओपन हो गई है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई साइट है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका पूरा नाम है एनसीईआरटी का। इस साइट को हम तीन लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, ई एन का मतलब इंग्लिश, एच आई का मतलब हिंदी और यू आर का मतलब उर्दू। तो हमें बुक्स डाउनलोड करनी है तो हम स्टूडेंट पे यहाँ पे ई पाठशाला पे आकर के स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, ये ई टेक्स्ट बुक जहाँ से हम अपनी फर्स्ट से लेके इंटर तक की बुक्स डाउनलोड करेंगे, या जो हमें ज़रूरत होंगी फर्स्ट से लेके इंटर तक वहाँ वो बुक्स हम डाउनलोड करेंगे। और ये सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, ये एडेड बुक्स होती हैं, इन इन बुक्स का जो हमारी क्लासेस हैं उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखी है यहाँ पे। ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स का मतलब जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ऑल इंडिया पोस्टर फोटोग्राफी एंड वीडियो कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर 2014 एंड 2015, ये हो चुके हैं। ये जो एनसीईआरटी के इवेंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। हम बैक चलते हैं, ये ई रिसोर्सेस हैं। देखिए, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सेस ऑडियोज वीडियोस इंटरैक्टिव्स इमेजेस मैप्स क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन बैंक्स ईटीसी। तो यहाँ पे जो भी टिपिकल लेसन्स हैं एनसीईआरटी में फर्स्ट से लेकर 12th तक, वो इनके बारे में लगभग लगभग वीडियो के बारे में, जो कि ऑडियो वीडियो फॉर्म में है, ये इसमें बताया गया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हम न्यू टैब अलग से एक टैब में खोल लेते हैं। देखिए, ये खुल गया।
ये देखिए सब वीडियोस यहाँ पे हैं। अब इसे ये दो हैं ऑल टाइप, और ये देखिए ऑडियो एंड वीडियो। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो देख सकते हैं। जैसे हमें वीडियो फॉर्म में देखना है तो हम वीडियो में देखेंगे। लैंग्वेज हम हिंदी, इंग्लिश हिंदी और उर्दू, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशनल लेवल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये सीनियर सेकेंडरी कर लेते हैं। जो भी आपको उपयुक्त लगे आप कर सकते हैं, अपनी डिमांड के हिसाब से। आप इसमें से प्राइमरी कर सकते हैं, अपर प्राइमरी कर सकते हैं, सेकेंडरी कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी कर सकते हैं। कीवर्ड में से सर्च कर देते हैं मैथ्स, क्योंकि लगभग लगभग सभी व्यक्तियों के लिए मैथ्स ही लगभग कम ही लोगों को समझ में आती है। देखिए मैथ्स कर लेते हैं। जब सर्च किया तो ये देखिए साइंस के हैं, ठीक है, सब वीडियोस हैं। एनसीईआरटी मैथ्स एक्टिविटी 12th 5th, मैं आपको एक वीडियो ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वीडियो इंग्लिश में है, तो ऐसे आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। जैसे कि जैसे मैंने ये अभी खोला था, ओपन किया था ये वीडियो, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आप सीधा यूट्यूब पर चले जाएंगे, सीधा यूट्यूब की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। सो अब हम रिटर्न चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर रिटर्न आ गया। हम यहाँ पे ई टेक्स्ट बुक, अभी हमने ई रिसोर्सेस पे थे, तो अब हम आ गए हैं ई टेक्स्ट बुक पे। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। इसमें देखिए ये बुक्स आ गई हैं, बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस की हैं। तो जैसे हमें ये देखिए यहाँ पे ये इसमें क्लास को हमें सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन दिए हैं, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टाइटल सेलेक्ट करना है। तो फिर हम क्लास पे जाते हैं, तो मान लीजिए हमें क्लास 6 की सेलेक्ट करना है, क्योंकि तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 6 से लेकर 12 तक ही बुक्स लगभग पढ़ी जाती हैं। तो हम क्लास 6 की सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट पे जाते हैं, जैसे हमें यहाँ सब्जेक्ट लेना चाहिए, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है, संस्कृत है, साइंस है, उर्दू है, योगा है। तो हमें सोशल स्टडीज की बुक डाउनलोड करनी है, उसमें हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद टाइटल पे चलते हैं। ये देखिए हिस्ट्री आ पास्ट, द अर्थ आ हैबिटेट, हमारे अतीत, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पृथ्वी हमारा आवास, जमीन हमारा मकान, सॉरी जमीन हमारा मस्कन, सामाजिक और सियासी जिंदगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री आ पास्ट, द अर्थ आ हैबिटेट। तो आप यहाँ पे ये दो हैं, ये इंग्लिश में हो गए, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे, कि ये साइट है वो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। और ये हमारी जो बुक्स हैं वो भी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल हैं इस साइट पर, जो कि जेन्युइन और रियल है, भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। जैसा कि यहाँ पे हिस्ट्री आ पास्ट, द अर्थ
हैबिटेट, ये इंग्लिश में हो गई, ठीक है। हिस्ट्री आपास, यहाँ देख सकते हैं हमारे अतीत, ये दोनों बुक्स एक ही हैं, हिस्ट्री आपास्ट और हमारे अतीत, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश में लिखी गई है, ये हिंदी में लिखी गई। इसी तरह से द अर्थ आ हैबिटेट, ओके। तो ये देखिए, पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल, ये हिंदी में है। ये देखिए इंग्लिश में, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये इंग्लिश में है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये इसका अनुवाद है। ये बुक्स एक ही हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इसी तरीके से उर्दू में हो गई। तो जैसे हमें हमारे अतीत यानी हिंदी में चाहिए, तो यहाँ पे हमारे अतीत हमने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम गो पे चले गए। देखिए इंटरनेट स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसमें देर लग सकती है इस बुक को ओपन होने में। ये देखिए आ गई। सामाजिक विज्ञान मीन सोशल स्टडीज, हम इसको सोशल साइंस भी कह सकते हैं। देखिए हमारे अतीत आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं, और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कंप्लीट बुक एज पीडीएफ, ओके। तो यहाँ से हम ऐसे ही डाउनलोड हो सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड पे। ये देखिए ये नेटवर्क एरर दिखा रहा है। रिज्यूम पे कर देता हूँ। ये देखिए स्टार्ट हो गई। ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।